नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। लंबी प्रतीक्षा के बाद संसद ने बाल अपराध संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। आज हम वेब वार्ता में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जयदीप जी, कानून बनाने से अपराध कितने रुक पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून तो अपराध को रोकने के लिए है नहीं। कानून अपराध को हो जाने के बाद अपराधी को क्या सजा मिले उसके लिए है। तो पहले तो हमारी कानूनों को लेकर धारणा ठीक कर लेनी चाहिए। एक ये मान्यता जरूर है कि चूंकि कानून है, कड़ा कानून है, सजा मिलती है, इस डर से लोग अपराध नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक के मानवीय सभ्यता के इतिहास में हमने देखा है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इस डर से अपराध नहीं करते। हत्या के लिए तो फांसी की सजा है, ताउम्र कारावास की सजा है, उसके बावजूद लोग आए दिन मर्डर करते हैं। 2 रुपए की बोरी के लिए मर्डर हो जाता है, छोटी मोटी बातचीत और कहा सुनी में मर्डर हो जाता है। तो दरअसल बात यह है कि जिस मानसिकता में अपराध होता है, वो मानसिकता बहुत कम बार ये सोचती है कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी। जिस वक्त वो हत्या करना चाहता है, टक्कर मारना चाहता है, लूट खसोट करना चाहता है, 420 करना चाहता है, उस वक्त वो उस मानसिकता में ही नहीं होता। तो हम पहले तो ये अपनी धारणा बदल लें कि कानून जो बन रहा है वो अपराधों को रोकने के लिए बन रहा है। अपराध हो जाने के बाद, जैसे अब सबसे बड़ा ये इतना बड़ा विवाद क्यों उठा, निर्भया कांड की वजह से 3 साल हो गए हैं। 16 दिसंबर की उस रात को जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसको मीडिया ने, सामान्य जनता ने इतना बड़ा बनाया, सामान्य जनता में गुस्सा नहीं होता, अखबारों ने उसको छापा नहीं होता, टीवी चैनल भी उसको इतना बड़ा नहीं बनाते, तो ये एक नजीर नहीं बना होता, एक उदाहरण नहीं बना होता। अब लोगों के मन में इस बात का दुख है कि वो किशोर वय अपराधी, वो नाबालिग अपराधी जो उस अपराध में बढ़ चढ़ कर शामिल था, जिसने बल्कि और लोगों को उकसाया, जिसने घृणित कृत्य न खुद किया बल्कि दूसरों को करने के लिए भी मजबूर किया, वो केवल 3 साल की सजा काटकर बाहर आ रहा है। तो लोगों में ये गुस्सा है, नाराजगी है कि इसको सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अपराध रोकने वाली बात नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि अगर उसने गलत काम किया और उसके बावजूद भी अगर हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा कानून उसको सजा नहीं दे पा रहा, तो ऐसा कौन सा कानून होगा जिसके जरिए उसको सजा मिले। अभी तक का जो कानून था वो कमजोर था। कमजोर इस माने में था कि वो 18 साल के पहले किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह के किए गए अपराध के लिए उसको एक बाल सुधार गृह में और नजरबंद रखकर और इस तरीके से सजा मिलेगी, और उसको जो वयस्कों की तरह सजा मिलती है उस तरह का ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं होगा। अब जो नया कानून है उसके माध्यम से कोशिश ये है कि 16 से 18 के बीच में भी, लेकिन उसमें भी 16 से 18 के सभी अपराधों को उस श्रेणी में नहीं रखा गया, जघन्य अपराधों के मामले में ही उसको वयस्क की तरह सजा दी जाएगी, और उसमें भी जब वो वयस्क होता है उसके बाद उसको वयस्कों वाली सजा मिलेगी। तो ये 2-3 बातें हैं। तो कानून बनना निश्चित ही जरूरी था, कानून की आवश्यकता थी। कानून बनाने से अपराध रुके या ना रुके, कानून के अभाव में जरूर लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने में सामने आए जब ये कहा है उन्होंने कि मेरा कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसलिए मैं मर्डर कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो 18 साल से कम हूं, मैं 16 साल का हूं, मैं 14 साल का हूं, या ऐसे शातिर लोगों के गैंग हैं जो इस तरह के कम उम्र के लोगों को शामिल करते हैं और उनसे अपराध कराते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें सजा नहीं होने वाली उस तरह की। तो कानून के अभाव में जो अपराध इतने सारे होते हैं उनको रोकने के लिए जरूर कानून प्रभावी हो सकता है। अच्छा नहीं होता कि ये कानून और पहले बन जाता? निश्चित तौर पर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे कानून तो ऐसे हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। हमारा जो जेल मैनुअल है वो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उतना ही पुराना है जितने कि अंग्रेजों का शासनकाल था इस देश में। ये जो कानून है निश्चित तौर पर इसको 2000 में, अभी जो वर्तमान कानून, लेकिन वो भी हमने संयुक्त राष्ट्र में जो बाल कानून को और बालकों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर हमारा एक दुनिया के स्तर पर हमारी उसमें जवाबदेही थी, इसलिए इस तरह का कानून अस्तित्व में आया था। लेकिन जब इस तरह के निर्भया जैसे अपराध होते हैं तो पता लगता है कि इन कानूनों का व्यवहारिक उपयोग है वो उतना प्रभावी नहीं है, और जिनको आजकल आप बच्चा मानकर छोड़ देते हैं दरअसल वो बच्चा मानकर छोड़ देने लायक नहीं है। अगर कानूनों के अभाव में वो ज्यादातर इस तरह के काम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको सजा देनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरीके से ही व्यवहार होता है। अमेरिका में तो 9 साल से अधिक की उम्र में वयस्कों की तरह अगर जघन्यपराध किए गए तो सजा मिलने का प्रावधान है। यूरोप के कई देशों में ये उम्र 11 या 12 साल की है। मेरा ये मानना है कि इसको उम्र से जोड़ने की बजाय अपराध की श्रेणी से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हत्या की है, अगर आपने बलात्कार किया, खासतौर पर बलात्कार की वजह से ही इस कानून पे ज्यादा चर्चा हुई। देखिए, बलात्कार जब वो व्यक्ति कर रहा है तो वो उन भावनाओं से प्रेरित है और उस तरह के अपराध की ओर बढ़ा है, तो अगर उस अपराध को उस तरीके से ही सजा नहीं दी जाएगी तो निश्चित तौर पर, और आजकल जिस तरीके से इंटरनेट या सोशल मीडिया या समाज में खुलेपन की वजह से इस तरह के अपराधों में बढ़ोतरी देखी गई है, कम उम्र के बच्चों का इस तरह के जानकारियों, इस तरह के अपराधों की ओर जो हमने बढ़ता लगातार ट्रेंड देखा है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि
बहुत जरूरी थी कि इस कानून की समीक्षा की जाए, बल्कि इससे आगे जाकर अगर हम इसी तरह उम्र घटाते रहेंगे तो उम्र तो आकर 5, 8, 10 साल पे भी आ जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अपराध करने वाले हैं वो 7, 8, 10 साल के बच्चे भी हैं और 4, 5 साल की बच्चियों के साथ भी बलात्कार होता है। तो ये उम्र का पैमाना नहीं है, ये अपराध और उसके तरीके का पैमाना है। इससे आगे मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि दरअसल बलात्कार जो है उसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है, बजाय कि कानून से रिश्ता होने के। हमारा समाज जिस तरीके से लगातार बदल रहा है, हमारे बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है इंटरनेट और दूसरी अन्य अश्लील सामग्री के, वो गहरे हैं। समाज में हर माता पिता आज चिंतित है कि उनका बच्चा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर क्या देख रहा है। उसको देखते हुए उस प्रभाव को कैसे कम करें ताकि इस तरह के अपराधों में कमी आए, वो ज्यादा बड़ी बहस का मुद्दा इस समाज के लिए होना चाहिए। सामाजिक स्तर पर किस तरह के प्रयास होने चाहिए? सामाजिक स्तर पर सबसे बड़ी जागरूकता तो हमें इसी दिशा में लानी पड़ेगी कि बच्चियों को ये पता होना चाहिए कि जो उनको उनके साथ उठने बैठ, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि निर्भया का तो एक अलग मामला था कि वो एक अलग तरह की मानसिकता में थे, जिस तरह के तबके से वो आते थे, अकेले रहते थे, एक का घर पे झगड़ा था, एक का इस तरीके का पुराना रिकॉर्ड मिला है और वो सब शराब पीकर उस तरह के हरकत उन्होंने की है। लेकिन इसके इतर बलात्कार के जो मामले हैं या यौन शोषण के जो मामले हैं वो हमें बताते हैं कि इस तरह का यौन शोषण या बलात्कार अधिकतर आसपास के किसी परिचित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो हमें बच्चियों को समाज में ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि आसपास का व्यक्ति आपके साथ जब व्यवहार कर रहा है तो उस व्यवहार के मायने क्या है, क्या उस व्यवहार के मायने संबंधों से परे जाकर, आत्मीयता से परे जाकर कुछ और हैं। तो बच्चियां इस तरह के गलत इरादे को जल्दी भांपना सीख जाए, इसके प्रति उनको जागरूक करना होगा। दूसरा, हमें अपने परिवार में पल रहे लड़कों को ये समझाना होगा कि किस तरीके से समाज में उनको अपना व्यवहार रखना है, किस तरीके से बच्चियों के प्रति उन्हें सम्मान का भाव रखना है, किस तरीके से वो अपनी इस तरह की मानसिक इच्छाओं पर बेहतर तरीके से काबू पाए, बेहतर साहित्य की ओर अग्रसर, क्योंकि हमें अपने आप जो किशोर वय के बच्चे बच्चियां घर में हैं उनसे खुलकर बात करने का सिलसिला शुरू करना चाहिए बजाय कि इस विषय से बचने के। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे बाल अपराध कानून की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।